अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली स्टेट के सेक्रेटरी भारत खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। भारत जी, आपके अध्यक्ष जिसे मैंने बातचीत की थी, भी 2 ही साल हुए हैं। मुझे तो याद है कि मैं जितने साल पहले 4-5 साल पहले ग्रेजुएशन मैंने किया, अभी तक मुझे याद है कि मेरे फेवरेट टीचर कौन है, सब्जेक्ट याद है, सब कुछ याद है। लेकिन ऐसा क्या है कि अध्यक्ष महोदय बता ही नहीं पाए कि उनका सब्जेक्ट क्या है, जोड़ी क्या है? क्योंकि मुझे लगता है पहली बात तो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये मुद्दा ही आज किस तरफ जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के बाद 3 सीटों पर विद्यार्थी परिषद की जीत के बाद जो बौखलाहट से NSY एक फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट जो लेकर आ रहे हैं, पहली बात जो इन्होंने एक पेपर निकाला है कि ये डिग्री फेक है, वो पेपर ही फेक है। आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसे लिख के किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं देते कि इस व्यक्ति की ये डिग्री फेक है। जांच का विषय दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वो जांच करे। दूसरी बात कि HOD का नाम याद है या नहीं है, सब्जेक्ट का नाम याद है या नहीं है, उसको दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने वहाँ की वर्किंग को देखते हुए क्या है कि उसका HOD कौन है, उसका सब्जेक्ट क्या था। हो सकता है 2 साल में उसको और कैमरे के सामने याद करते हुए थोड़ा समय जरूर किसी न किसी को हिचकिचाहट हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने विद्यार्थी परिषद को समर्थन देकर एक अच्छा मार्जिन के साथ जीत हासिल की है और उसी को लेकर, उन इशू को लेकर चुनाव आज छात्रों के बीच में है। हम और दूसरी बात जो NSY बात कर रही है कि डिग्री फेक और ये सब जो विषय उठा रहा है, आखिर में वो कौन है, उसको अपने सिस्टम पर जागने की ज़रूरत है। पिछले वर्ष आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई मीडिया रिपोर्टर या कोई भी पत्रकार बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट जाके रॉकी तुसीर के कागजों के बारे में जांच की होगी। पिछली बार किस तरह से एडमिशन के बाद धांधली हुई और नाम चेंज हो जाता है एडमिशन के बाद, पूरे प्रोसेस में 1 महीने तक विद्यार्थी परिषद ने प्रूफ के साथ में इस प्रशासन के सामने रखा था। जी, यहाँ पर ये है कि जिसके ऊपर आरोप लगता है कि इसने ठगी किया, चीट किया, दरअसल उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो दिखाए। लेकिन न सब्जेक्ट याद है, न HOD का नाम याद है। दूसरी तरफ अगर ऐसा है तो क्यों ना असल मार्कशीट के साथ लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और बताया जाए कि यहाँ से हमने पढ़ाई की है। बिल्कुल करेंगे ना, लेकिन ये कि जब इंतजार किस बात का है, अब क्या इंतजार? जब NSY कहे कि इसकी डिग्री फेक है या ये वो फेक है, तो उसके एजेंडे पे विद्यार्थी परिषद आके उनको कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उसने एडमिशन लिया है और विद्यार्थी परिषद ने उसी के आधार पर उसको चुनाव। सबूत किसे देने की आवश्यकता, किसे सबूत देंगे आप लोग? जब यूनिवर्सिटी मांगे तो देगा उसको, जब यूनिवर्सिटी जांच करेगी। यूनिवर्सिटी छूट है अपना आप में, यूनिवर्सिटी को छूट दे रखी है और विद्यार्थी परिषद पूरा कॉर्पोरेशन करेगी कि जो जांच करनी है उसको, जो लगती है आवश्यकता वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसको डॉक्यूमेंट्स उसके पास है वो दिखाएगा यूनिवर्सिटी को, NSY का दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। चलिए, यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन होता है, हर चीज होती है, तो अचानक से ये मुद्दा उठाने के बाद आपको क्या लगता है, यूनिवर्सिटी ने कुछ पूछा ABVP से या अध्यक्ष से? देखिए, ABVP से पूछने का कोई विषय नहीं है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव अपने आप में यूनिवर्सिटी का बॉडी है और अध्यक्ष से उनसे बात रेगुलर कर रहे हैं वो, इस बारे में जो भी जांच होगी। कुछ अपडेट है बताइए, कुछ अपडेट अगर है तो? इस तरह की अपडेट नहीं है, लेकिन शायद ऐसा सुनने में आया कि सोमवार को इस कमेटी इस बारे में उनसे पूछताछ करेगी और वो भी उसके लिए तैयार है और करना चाहिए। मुझे लगता है जो भी है यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसका एडमिशन भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हुआ है और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसका नॉमिनेशन भी क्लियर हुआ है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की इस तरह की चीज़ें छुपा के रखी गई है। तो बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में और भी लोग हैं ऐसे, और भी इस तरह के कई लोग हैं और वर्षों से जो काम ऐसे NSY के लोगों ने करते आए हैं, चाहे वो लॉ फैकल्टी हो, चाहे बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, इस तरह का काम करते आए हैं और वर्तमान अभी तक जो इनका पूर्व का डुसू को अध्यक्ष कोर्ट के चक्कर काट रहा है, वो इस फर्जी मामले में फंसा हुआ है अभी तक, तो उसकी जांच दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। मुझे लगता है एक और बात उठकर सामने आ रही है, ये भी आ रही है कि दो जगह इनरोलमेंट है, जो आपके अंकित हैं उनका दो जगह इनरोलमेंट है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि दो जगह एक ही आदमी पढ़ाई करे? मुझे नहीं लगता है कि दो जगह इनरोलमेंट है। जो दूसरी जगह इनरोलमेंट की बात CVS कॉलेज की आई थी, वहाँ से उन्होंने विड्रॉल ले लिया था, उसके बाद का वहाँ का है, दो डिग्री एक साथ नहीं है, एक ही डिग्री से उन्होंने एडमिशन लिया है और उसी डिग्री के आधार पर उनका एडमिशन भी हुआ। तो ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं खासकर फेक डिग्री को लेकर, राजनीतिक ही लगता है आपको? 2 दिन पहले EVM हैक की बात चल रही थी, 2 दिन ठीक बाद पेपर फेक की बात चल गई है। ऐसे ही अब ऐसा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ NSY का छात्र हितों के मुद्दे तो उठाया नहीं आज तक, ना उठाता है।
एबीपी के किन मुद्दों को लेकर किस तरह की बातों को उठाना है वो काम कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आज जर्नलिज्म के छात्र 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को इश्यू को लेकर कोई आज तक विषय नहीं उठा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो बातें सर उठा रही हैं, ये अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए असल मार्कशीट के साथ कि ये देखिए ये यहाँ से हमने पढ़ाई की और वहाँ के किसी HOD को साथ लाया जाए और बिठाया जाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक तौर पर कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है राजनीति को तुल नहीं मिलेगा जो आपके हिसाब से राजनीति है। बिल्कुल, किसी छात्र के लिए वहाँ से HOD उठकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगा, फिर भी लगता है। और इस तरह की यूनिवर्सिटी जांच करे, मैं कह रहा हूँ मुझे बता दीजिए मैं वहाँ जाकर उनसे बातचीत करके लाऊंगा। आप बात कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्वतंत्र है अपने आप में, यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। यूनिवर्सिटी जांच करे, यूनिवर्सिटी को लगता है कि उनके HOD से उनके VC से बात करना है तो यूनिवर्सिटी करेगी ना। विद्यार्थी परिषद को इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है कि NSY जो को बोलेगी उसको हमें जवाब देना है या फिर उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। यूनिवर्सिटी जो हमसे जवाब मांगेगी उसके लिए हम तैयार हैं और अंकित से जो मांगेंगे अंकित तैयार है। चलिए भारत जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब गेंद जो है ABVP ने पाले में डाल दी है यूनिवर्सिटी की, और यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि सोमवार को छुट्टियों के बाद कुछ इस मामले में डेवलपमेंट होगा और हो सकता है कि कमेटी अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाए और उनसे अपना पक्ष रखने को कहे। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।